वस्तुतः ध्यान जीवन का स्वरूप है। ध्यान का बहुत सारे आलंबन है और मूलतः ध्यान कहा जाए तो कुछ ना करना, कुछ ना सोचना, ये ध्यान है। अंतिम ध्यान का स्टेप यही है, कुछ ना करना और कुछ ना सोचना, सिर्फ अपने आप में लीन होना। लेकिन ये हमारे गुरुदेव जी का और पारक सिद्धांत का विचार है, लेकिन अन्य लोग कहते हैं परमात्मा पे ध्यान टिका लो, यह ध्यान है। अब प्रश्न पूछता हूँ, परमात्मा कहाँ है? तो फिर झालमेल वाली बातें आ जाती है और मुझे वो बातें मेरे दिमाग में नहीं समझ में आती है, उतना मेरा बुद्धि विकसित नहीं इसलिए। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ होता है परमात्मा की कृपा से होता है। तो उनको मैं एक प्रश्न करता हूँ, आज हमारे देश में हजारों लोगों के हाथों से बंदूक की गोलियां निकल रही, वो भी परमात्मा की कृपा है? कितने लोगों का सर कलम किया जा रहा है, वो भी भगवान परमात्मा की कृपा है? मैं प्रश्न करता हूँ उन लोगों से, जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है कहते हो, जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, परमात्मा की कृपा से होता है, तो आज इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो भी भगवान की कृपा होगी? आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है वो भी भगवान की कृपा होगी? और इतना आतंकवाद, नक्सलाइट, सारे जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा है कहना चाहिए? तब उनका उत्तर वहीं पर रुक जाता है, कहते हैं ये तो आपका कर्म है। अब जब ऐसी बात आती है तब कहते हैं परमात्मा की कृपा होता है। और लोगों की इधर उधर की बातें रहती, क्लियर बातें नहीं हो पाती है। और वस्तुतः मूल चीज़ है, अपना कर्म ही साथ देता है। अगर कर्म खराब है तो कुछ भी साथ नहीं देगा, और कर्म अच्छा है तो सबको साथ देगा। कर्म अगर खराब है तो कितना ही अच्छे जगह पर रहे, कितना ही अच्छे स्थान पर रहे, कितना ही योग्य लोग हो हमारे साथ, लेकिन कोई साथ नहीं देंगे, वक्त आने पर सब बिछड़ जाएंगे। राजा दशरथ के चार पुत्र हुए और चारों पुत्र योग्य पुत्र थे, महान योग्य पुत्र, किसी में योग्यता की कमी नहीं थी। लेकिन वक्त ऐसा आया कि राजा दशरथ तड़पते तड़पते मर गए, चारों पुत्र में से कोई भी पुत्र उनको एक गिलास पानी नहीं दे पाए। राम राम पुकारते पुकारते, मैं कर्म ही खराब है तो कौन क्या करेगा? आज आदमी कर्मों को नहीं सुधारते हैं और बड़ी बड़ी बातें हम कहते चले जाते हैं, अपने को भक्त कहते हैं, अनुयायी कहते हैं, अपने को धार्मिक कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें रहती है, लेकिन हम वो जीवन में थोड़ा भी नहीं आ पाता है। कभी कभी अपने आप से हम पूछेंगे तो अपने आप से लज्जा आएगी कि हम धार्मिक हैं, तो हमारी धार्मिकता की पहचान क्या है? हम अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को मानते हैं तो उसका पहचान क्या है? तो देखेंगे अपने जीवन में लगेगा कि खोखा है, कुछ नहीं है। जीवन में परिवर्तन जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, बस हमारे जीवन में जी रहे हैं लेकिन जीवन को सुंदर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में व्यक्तव्य रह जाएगा लेकिन जीवन जैसे के तैसे रह जाते हैं। श्री रामचंद्र के जीवन और लोगों के दर्शन के बारे में सबको पता है, सब उनके अपने आप को उनके भक्त कहते हैं, और खास करके हिंदू परंपरा में श्री राम के अनुयायी समझते हैं अपने आप को। लेकिन जीवन में देखा जाए तो श्री राम भगवान मानते हैं और उनके जीवन के अनुसार से 5% भी जीवन में आ जाए तो हम लोग आनंद और बादशाहत की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन जीवन में 5% भी नहीं आ पाती हमारे जीवन में ऐसी। उन्होंने कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता में विचलित नहीं हुए। वही श्री राम है जिसको कहा जाता है कि कल तुम्हारी राजगद्दी होनी है और कल सुबह उनको वनवास दिया जाता है, और वनवास दिया जाता है तो वनवास की बातें सुनकर के माता के कई से कहते हैं, हे माता, वह पुत्र धन्य है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करे और माता पिता की आज्ञा के अनुसार से वनगमन कर जाते हैं। किसी आदमी को कहा जाए तुमको इतनी संपत्ति दिया जा रहा है और उनको उस दिन थोड़ा कम दे दिया जाए तो आदमी लड़ते हैं, मरते हैं, केस करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन श्री राम को वनवास भेज दिया जाता है, वनवास चले जाते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। और वैसे ही उनका जीवन पूरे हिंदू परंपरा में, और हिंदू परंपरा नहीं और जो अन्य मानने वाले हैं, जैनी संत लोग श्री राम जी का उदाहरण बहुत देते हैं।
जैनी संतों का प्रवचन सुनेंगे पुलक सागर तरुण सागर का, तो श्री राम भगवान का उदाहरण बहुत देते हैं और उनके जीवन की यथाओं को, उनके घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम लोग उनके मानने वाले होकर के जीवन में बहुत कुछ दूरत्व की भाव आ जाता है। आपस में भाई और भाई में प्रेम नहीं होता है। श्री राम जैसे भाइयों का प्रेम तो कहा नहीं जा सकता है। वनवास श्री राम जी को होता है, लेकिन लक्ष्मण जी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और अपने भैया के साथ में पूरा 14 वर्ष वनवास काटते हैं। और वनवास हो जाने के बाद में भरत अपने नलिहाल से जब आते हैं अयोध्या में, पता चलता है कि श्री राम जी को वनवास होता है, तो दौड़े दौड़े जंगल चले जाते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि आप चलिए अयोध्या, आपके बिना अयोध्या सुनी है। श्री राम जी कहते हैं अब राजपाट सब तुमको चलाना है, तुमको सब कुछ संभालना है, अब मेरे लिए वनवास ही अच्छा है। लेकिन आपस का प्रेम और बड़ों का सम्मान ही आदमी को महान बनाता है। और श्री भरत जी अयोध्या आते हैं लौट करके और भाई के कहे अनुसार से पूरा राजपाट देखते हैं, लेकिन राज का उपभोग नहीं करते हैं। घास फूस का एक झोपड़ी बना लेते हैं और जमीन पर सोते हैं और ऋषि मुनि की तरह जीवन यात्रा करते हैं, कभी राज महलों का उपयोग नहीं करते हैं। और जहाँ तक जब उनकी माता केकई उनसे मिलने के लिए आती है और केकई मिलने के लिए आती है बेटा करके पुकारती है, तब कहते हैं तुम्हारे बेटा सब कुछ राजमहल में है, क्या कमी पड़ गई राजमहल में। और वो प्रश्न करते हैं जब तुम ऐसे ऐसे वचन मांगे, भगवान श्री राम को वनवास का वचन मांगे, तो तुम्हारे जीभ नहीं जल गए, इतने कटु वचन बोलते हैं। ये आपको बड़ी बड़ी बातें साधारण रामायण में नहीं लिखी गई है, ये जैसी जैसी उन्होंने बातें कहे हैं तुम्हारे जीभ नहीं जलते हैं और ऐसे कटु वचन बोलते हैं, तुमने मानो मछली के जीने का जो पानी था उसको उलझ करके सूखा कर दिया है और मछली बिना पानी के तड़प करके मर रहे हैं, ऐसे कटु वचन बोलते हैं भरत जी। सहज नहीं है श्री राम जी के जीवन को आदर से स्थापित कर पाना। गुरु भक्ति उनके क्या कहे, गुरु भक्ति के बारे में जितना कहे उतनी ही कमी पड़ जाती है। संत सेवा की बात आती है तो श्री राम जी कहते हैं मैं धन्य भागी हूँ जो मुझे जंगल में रह करके संतों का सेवा करने का संतों का दर्शन करने का मुझे परम सौभाग्य मिलेगा। हमारे जीवन में कितना सौभाग्य मिलता है, हम अपने जीवन में कितना संत सेवी कर पाते हैं, कितना गुरु भक्त बन पाते हैं, आज्ञा पालन कितना होते हैं। और प्रजा रक्षक भी थे वो, प्रजा का रक्षा करना, लोगों का रक्षा करना, आश्रय पालक मतलब होता है लोग उनके शरण में आते थे, उनको आश्रय देते थे, ये उनकी महानता थी। और एक पत्नी का होना, कभी उनकी पत्नी जंगल चली जाती है, लंका में रहती है लेकिन श्री राम जी कभी नहीं सोचते हैं कि दूसरी पत्नी ला लूँ या दूसरी शादी कर लूँ, हमेशा एक पत्नी के आज्ञा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने जीवन जिया, ये उनके आदर्श है। हमारे जीवन में थोड़ी सी अनुकूलता और प्रतिकूलता आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, अपनी स्थिति नहीं संभाल पाते हैं। और जब श्री राम जी को वनवास होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप राज सिंहासन पर बैठिए और कौन रोकता है मैं देखता हूँ। वो कहते हैं कौन रोकता है मैं देखता हूँ, किनके में साहस है जो आपको रोक सके। इतने में श्री राम जी कहते हैं मेरा ऐसा करने का साहस नहीं है। इतने मधुर वचन से बोलते हैं मेरा ऐसा करने का साहस नहीं है। और हमारे पास कोई विषय ऐसा आता है तो हम कहते हैं देखते हैं कौन क्या करते हैं, और यही देखते हैं हमको जीवन को बर्बाद कर देते हैं। संपत्तियां तो मिल जाती है, वर्चस्व तो मिल जाता है, गाड़ी घोड़े मिल जाते हैं, धन दौलत मिल जाता है, लेकिन जीवन की जो असली पूंजी है वो खो बैठते हैं हम। और जीवन में जो प्रेम होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, सब कुछ तबाह हो जाता है, जीवन की कमाई हमारी जीरो चली जाती है। श्री राम जी का यही रामत्व तो रहा है कि श्री राम जी अनुकूलता और प्रतिकूलता में कभी विचलित नहीं हुए, जीवन भर सहते रहे, और आज उसी सहने का परिणाम रामायण बना और आज उनको हम जानते हैं। यदि उनके पास सहनशीलता नहीं होती, उनके जीवन में सहनशीलता नहीं होता,
तो थोड़े लोग सीमित लोग रामायण को नहीं जान पाते, रामायण एक कोना में सीमित करके रह जाता और श्री राम को नहीं जान पाते, श्री राम दफन हो जाते। लेकिन सहनशीलता का परिणाम है पूजनी बन गए, भगवान बन गए और आज उनके नाम लोग रटते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीवन में उनको आचरित नहीं कर पाते हैं। बड़े चंदन लगा लेते हैं, बड़े तिलक लगा लेते हैं, एक एक घंटा पूजा करते हैं, लेकिन भाई और भाई के साथ में छल करते हैं, माता पिता के साथ छल करते हैं, एक एक इंच जमीन के लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं और अपने आप को श्री राम का भक्त भी कहते हैं। ये लोग भक्त हैं कि क्या हैं? शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, छोटी छोटी चीज है, बुराई है, जीवन से नहीं छूट पाती है, गाली गलौज देते हैं, निंदा चुगली करते हैं, छोटी छोटी हमारे जीवन से दुर्गुण नहीं हट पा रहे हैं और हम अपने आप को भक्त भी कहते हैं। अपने आप को कोसना चाहिए हम सबको, कैसे भक्त हैं हम, कैसे सदगुरु कबीर के अनुयायी है, कैसे श्री राम जी के भक्त हैं, कैसे माँ बाप के बच्चे हैं। एक माँ बाप के लिए हमारे लिए माँ बाप भी सोचते होंगे, एक ऐसे बच्चे को हम अपने कोख से जन्म लिए जो कि ना ही अपने जीवन का उद्धार कर पाया, ना ही दूसरे के लिए आदर्श बन पाए। माँ बाप भी कोसते होंगे, हम सबके जीवन को देखते होंगे। तो इसलिए हम जीवन को इतना अच्छा बनाएं, जितना ही सजा सके, जितना ही संवार सके। आज हमारे पास अवसर मिला है, आज हम अपने आप को समझ लें, इससे बड़ी और आत्मा और परमात्मा कुछ भी नहीं हो सकता है। आत्मा हम खुद है और इससे जब हमको ज्ञान मिल जाता है, हम दुनिया के छल कपट राग द्वेष तेरे मेरे सब इस निंदा चुगली से हट करके ऊपर उठ जाते हैं, तो यही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, यही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। बाहर और परमात्मा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों को समझें और जीवन में श्री राम जी के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अब आगे विचार रखने के लिए आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी से निवेदन है, कुछ देर अब हमारे बीच में परम पूज्य श्री रूपदास जी से निवेदन है कि आप भी आए, कुछ मिनट अपने विचार रखे, फिर श्री साहेब जी से सुनेंगे। बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, पूज्य गुरुदेव आश्रम अधिकारी साहेब की जय, आप सबके साहेब बंदगी साहेब। आज जो विचार चल रहा है राम नवमी के उपलक्ष्य में, राम के संबंध में, राम को जानने के लिए वेदों में तो ऐसा पहले हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहेब बताते हैं कि राम नाम ही नहीं था और क्या क्या हरि क्या क्या सब वो बताते थे प्रवचन के दौरान। राम उस समय कुछ समय के बाद सब प्रचलित हुआ। राम के संबंध में उधर शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जब ब्राह्मणों के वर्चस्व था काशी में, तो बताओ इनको कहाँ से मिला, कहाँ से इतना ज्ञान बताता है ये। तो उन्होंने उस समय श्रेष्ठ गुरु रामानंद जी थे, तो उनसे उन्होंने लीला किया। अब ये सब बौद्धिक शास्त्रों में ये सब मिलता है, लेकिन उन्होंने ये शब्द दिया कि बेटा मत रो, बच्चा मत रो,
तुम राम राम कहो। उनको तो कह दिया, लेकिन रामानंद ने स्वयं राम की मूर्ति बनाकर राम को पूजते रहे। सदगुरु कबीर साहब ने उनको यही कहा कि गुरुदेव, वह राम आज नहीं है और उनकी ये मूर्ति है, वो राम साक्षात हुए होते यहाँ पर तो कुछ उपदेश करते, कुछ कहते, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है और यहाँ से तुम्हें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर आप तो बार 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 उस राम की मूर्ति बनाकर उसी में परेशान हो। अंत में बीजक में ये बातें आई है कि रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। एक बार कोई कहता है तो उसमें थकावट नहीं होती, वो बार बार कहे कि वो राम नहीं है गुरुदेव, राम बसे कुकरी के पूता, हृदय बसे तो राम ही जाना, शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक ज्योत, और ताही पुरुष के मैं बलिहारी नीलालंब जो हो। हृदय में बसने वाले चेतन जीव आत्मा है वही राम है गुरुदेव, और वो राम यहाँ इस संसार में जिसने भी जन्म लिया, शिव शेषादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस्रमुख हुई, और जो जो जन्म लिए उस धाम में रह नहीं पाए कोई, कोई रहने वाला यहाँ नहीं है, न रहा है न रहेगा, इसलिए इधर मुड़िए गुरुदेव। लेकिन उन्होंने नहीं माना, कई बार कहे, तब सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि रामानंद राम रसमाते, कहें कबीर हम कही कही थाके, मैं कह कह करके थक गया, लेकिन वो उसी में आरूढ़ है। तो राम का नाम जपो कह दिया गया, लेकिन उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को रामानंद ने कुछ नहीं दिया, उस समय की श्रेष्ठता थी इसलिए उनको गुरु रूप माना गया, ऐसा कहा जाता है। चलो ठीक है, सदगुरु कबीर साहब स्वतः प्रकाश पारक त्रास नहीं अमदंड के, सारी जो दंड विधान पड़ा है उसकी उनको कोई बात नहीं, क्योंकि अपने सत्य आचरण करते थे तन मन वचन से, और उसी का उपदेश करते थे जिसे सुनने के लिए भीड़ लगी रहती थी। तो यह उनका व्यक्तित्व था, अब वही बात बताया। तो राम कहीं बाहर नहीं, राम सबके घट घट में है। उन्होंने यहाँ इतना विस्तृत किया कि जीव दुखी देखे भवसागर ता कारण पगधारा, जीवों के दुख, अब जीव कहाँ कहाँ नहीं है, सर्वत्र जीव है, और जहाँ पर जीव है, क्योंकि उस समय उसके ज़माने में बलि प्रथा चलती थी, यज्ञ होता था, यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता, भेड़ बकरे, यहाँ तक गंजा सिर वाले मानव को भी बलि दी जाती थी, ऐसा कहा जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सात्विक यज्ञ किया जिसे मानंदियों के अंतर्गत में चौंका कहा जाते हैं, उधर से चौंका या इधर आओ, और सात्विक यज्ञ है, गुरु पूजा है, कोई उसमें निषेध नहीं है, सात्विक पूजा है। तो इस प्रकार से सदगुरु कहा गया, जीव के सांठे निर्दर दीन्हा, जीव छुड़ाए काल सोलीना, चौंका एक पर डोली में भी ये कहा जाता है, हंसा दूर मत छोड़ दे, तो निर्मल होके घर आओ हो, पवित्र होकर के इस घर में, अपने घर में, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में स्थित हो, इस प्रकार से उनका निर्देश है। मैं थोड़ा एक भजन गा करके उसके बाद में अपने वाणी को विराम दूंगा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन
यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। सपनों के नींद में ही यूं रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही यूं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल जाने कल न आए। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। जाए गजब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाए गजब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ से दिया है उस हाथ जाके लेगा रे, उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है, ममता के बंधनों ने आकर के तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने आकर के तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, देख ले दिल की दर्पण में इस दिल में ही खुदा है, इस दिल में ही खुदा है। सुख रूप हो करके दुख आज पा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गंवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्छीर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, आज कबीर आश्रम में 5 महीना से शुरू हुआ है, दिसंबर से मासिक सत्संग। मासिक सत्संग होना है तय हुआ, और हर महीना के पहले तारीख को उपस्थिति हो रही है। सत्संग का लाभ भी मिल रहा है और सेवा का भी लाभ मिल रहा है। सोचा गया कि सत्संग तो होता है, लेकिन 12 महीना में भारतीय दर्शन में एक से एक महापुरुष का जीवन, जन्म और निर्वाण के रूप में आया है, और उसे हम नहीं जानते। उनके जीवन और दर्शन को, लेकिन हम सबके लिए वरदान स्वरूप सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब का जीवन मिला और उनके सानिध्य में रहने का अवसर भी मिला। साथ साथ उस महापुरुष के द्वारा भारतीय और पाश्चात्य महान पुरुषों के जीवन दर्शन पढ़ने को, समझने को मिला। यदि सद्गुरु अभिलाष साहेब के जीवन आज इस प्रकार से न हुआ होता चिंतन की गहराई में, तो हम भी नहीं जान पाते। सद्गुरु कबीर के बाद आज 600 साल हो गया, पारख सिद्धांत ही नहीं, पारख सिद्धांत तो सद्गुरु कबीर साहब से ही शुरुआत है। सद्गुरु श्री पूरन साहेब बुरहानपुर में 150 साल से पूर्व पहले हुए हैं। कुछ लोग पारख सिद्धांत को बुरहानपुर से ही मानते हैं, लेकिन पारख सिद्धांत सद्गुरु कबीर से के बाद श्री राम रहस्य साहेब, ये संसार पारख सिद्धांत के महापुरुषों का जो चित्र है इसमें पारखी संतों का ही चित्र है पारख सिद्धांत के। और सद्गुरु कबीर साहब के बाद से आज तक चले आया है, लेकिन सभी संतों ने सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को चिंतन किए, विचार किए, और सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है उसे समाज के बीच में रखे। लेकिन सद्गुरु श्री अभिलाष साहब ने, कबीर साहब तो उनका तो है ही, और कबीर साहब के शरण में आने के बाद
उन महापुरुषों के चिंतन किए, भारत में महाराज राम और महाराज कृष्ण के नाम एक अद्वितीय महापुरुषों में। इतना ही नहीं, बुद्ध और महावीर का जीवन दर्शन, इतना ही नहीं उनके द्वारा पाश्चात्य महापुरुषों का भी जीवन दर्शन, सभी का चिंतन हुआ। तो सद्गुरु श्री विलास साहेब के द्वारा राम कौन थे, राम का जीवन दर्शन कैसा था, केवल हम लोग कबीर के राम, आत्मा राम है, उस पर ही हम सब नह जाए। सद्गुरु कबीर उस नाम को लिए जो लोकप्रिय है समाज में, वह अंतर राम है। लेकिन महाराज श्री राम दशरथ सुवन है, राजा दशरथ के पुत्र इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। चार भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तीन माताओं के द्वारा पैदा हुए। साहेब के रामायण रहस्य, मानस मणि और इस संसार के महापुरुषों में उनका नाम जो दिया गया है, उसके द्वारा जानकारी मिली और साहेब जी के विचारों के द्वारा। तो महाराज दशरथ है, उसका बुढ़ापा था, उसका कोई संतान नहीं था, तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा बहुत दुखी था, सलाह दिए कि ऐसे समय में राजवंश कैसे चलेगा। तो राजा दशरथ ने को सलाह देने के बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया गया, उनके द्वारा हविष के रूप में खीर पैदा हुआ और खीर को तीनों रानियों को दिया गया। वह खीर खाने के बाद तीनों रानी का गर्भ हुआ और तीनों रानी के द्वारा समय आया तो संतान हुआ, माँ कौशल्या से राम का, कैकेयी से भरत का और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और कहा जाता है रामनवमी इसी महीना में पड़ता है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जयंती मनाया जाता है। और यह पर्व हमारे आश्रम इलाहाबाद में भी मनाते हैं, और सत्संग और भजन राम के बारे में ही चिंतन मनन होता है। सभी संत गुरुजन राम का ही, और उसी दिन होता है। लेकिन कबीर आश्रम सकरी में आज नवमी नहीं है, आज से 10 दिन बाद में होगा, 14 तारीख को, 10 तारीख को होगा, रविवार को। लेकिन राम नवमी के विषय में आज चर्चा क्यों है, लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये आश्रम शहरी क्षेत्र नहीं है, किसी तरह से तो बुद्धिजीवों के चिंतन से यह मासिक सत्संग शुरू हुआ, और बीच बीच में हम सत्संग छेड़े तो
तो मुश्किल है आना। शहरी क्षेत्र में तो आ जाते हैं, छुट्टी होती है, शासकीय छुट्टी होती है, लेकिन देहात में कठिन हो जाता है। इसलिए सोचा गया कोई भी महापुरुषों का निर्वाण या जन्म किसी भी महीना में होता है उसके पहले तारीख को मनाना चाहिए। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आज का सत्संग है और महाराज राम का जीवन दर्शन महान है। किसी भी व्यक्ति के महानता को हमें चिंतन करना चाहिए, विचारना चाहिए। राम कैसे थे? राम समुद्र के समान गंभीर, पर्वत के समान धैर्यवान, विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, कालाग्नि के समान क्रोधवान, पृथ्वी के समान क्षमावान, कुबेर के समान त्यागी, स्वस्थ सुंदर विद्वान, नीति निपुण, सर्वगुण संपन्न राम में है। राम का जीवन दर्शन जानना चाहें तो सद्गुरु श्री रविदास साहेब के जो पुस्तक है रामायण रहस्य, उसको आप विधिवत पढ़ सकते हैं। तर्कपूर्ण चिंतन उसमें दिया गया है। राम का ऐतिहासिक पुरुष राम और कृष्ण है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महादेव इसको ऐतिहासिक महापुरुष नहीं माना गया है, इसको देव माना गया है देव कोटि में। लेकिन ये राम और कृष्ण महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे राम और कृष्ण, और उनके जीवन और दर्शन महान हैं। उसकी महानता को हम सब चिंतन करें, भाई भाई के साथ में, माता पिता के साथ में, पति और पत्नी में, प्रजाओं के साथ, सबके साथ राम का जीवन कैसे था चिंतन करें। राम का वनवास होता है, राम का ही हुआ है, लेकिन साथ में लक्ष्मण चले गए, सीता भी चली गई, तो उसको पीछे कितना समर्पित हो करके भरत भी राम को मनाने जाता है, राम नहीं लौटता है, तो भरत भी 14 वर्ष तक तप करते हुए राजकाज संभाला, लेकिन राजगद्दी में नहीं बैठा। भाई के लिए कितना समर्पित है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक माँ के पुत्र नहीं, लेकिन समर्पण की भावना कितना अद्वितीय है, चिंतनी विषय है, खोज करने विषय है। जब वापस 14 वर्ष के वनवास से वापस आते हैं तो राम के मन में माता कैकेयी के प्रति जरा भी द्वेष भावना नहीं। जब आए प्रजा लोग तैयारी किए थे, क्या तैयारी किए थे, राम जब आएंगे तो कौशल्या माता के भवन में पहले जाएंगे, नहीं, राम के मन में क्रोध की भावना नहीं, द्वेष की भावना नहीं, पहले वह मिलन माता कैकेयी से करते हैं। और कैकेयी से ही नहीं, जब माता कैकेयी के दरवाजे में जाते हैं तो पहले मंथरा से करते हैं, तब कैकेयी से करते हैं। राम का हृदय कितना विशाल है, उनके मन में जरा भी द्वेष की भावना नहीं। चिंतन करें, राम के गुणों से हम सब सीखें और समझें। भाई के साथ कोई शत्रुता नहीं, माता कैकेयी के साथ कोई शत्रुता नहीं, माता
किसी के साथ में कोई शत्रुता नहीं। ऐसे महाराज राम पृथ्वी के समान धैर्यवान थे, सहन शक्ति उसमें कितना अप्रबल था, चिंतन करने योग्य विषय है। इसलिए यदि जीवन में सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, राम के जीवन दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। केवल रामायण से नहीं, गोस्वामी जी के मानस है, रामायण है, वही ही है, और रामायण नहीं ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी के अलावा कई रामायण हैं और सभी रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन सद्गुरु अविलास साहेब के द्वारा हुआ है और रामायण रहस्य में हुआ है, उसे पढ़ना चाहिए। हर कबीरपंथी को भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आज महाराज राम के जीवन और दर्शन पर हम सबको गंभीर चिंतन करना चाहिए, उनका जीवन दर्शन कैसा था। त्याग, अपरबल त्याग, त्याग में कोई कमी नहीं, तपस्वी जीवन, एक व्रति राम, माँ सीता के अलावा कोई दूसरे नारी से उनका कोई प्रकार से, जब वापस आते हैं तो राम राज होता है, उसके बाद सीता निष्कासन हो जाता है। सीता निष्कासन के बाद में कहा जाता है कि यज्ञ होना चाहिए, तो यज्ञ की तैयारी करते हैं। राम से कहा जाता है, प्रभु आपके साथ में आपके अर्धांगनी चाहिए, लेकिन माँ सीता को तो निकाल दिए हैं, दूसरा नारी नहीं चाहिए, सोने का सीता बनवा करके वहाँ रख दिए, लेकिन दूसरे नारी नहीं। अटूट त्याग राम के जीवन में। तो हर मनुष्य को आलोचना में नहीं होना चाहिए, राम सबके हृदय में है, वो अध्यात्म रामायण के अनुसार है, लेकिन व्यवहार कहा जाता है शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष दो है, और दोनों की जानकारी करने की आवश्यकता है। प्रकृति या शरीर है, पांच तत्वों का बना हुआ है, और पांच तत्वों के शरीर में पंच विषय है, पंच विषय के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांचों विषय का आसक्ति जो हो जाती है वो अप्रबल होता है, उसे छोड़ना कठिन होता है। तो अंदर के जो राम है वह बहुत दुख पाता है, जब तक से इसी को कहा गया उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा है, आत्मा को दुख के कारण क्या है, आत्मा को दुख के कारण क्या है, आत्मा ये शरीर धारण किया है और शरीर धारण करके जीवन जी रहा है, तो शरीर के द्वारा पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ये पांच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पंच विषय हैं, तो पंच विषयों के को उपभोग करता है, तो पांच ज्ञानेंद्रिय ग्रह है और पंच विषय अतिग्रह है। तो जिन जिन विषयों को हमारे इंद्रियां पकड़ लेती है उन विषयों को पुनः नहीं छोड़ पाती है, तो उसी के कारण से यह हमारे अंदर में जो बसा हुआ रमैया राम चेतन आत्मा है वह दुखी होता है, पीड़ित होता है, और जब तक से उसकी आसक्ति को छोड़ेगा नहीं तब तक से उसका दुख का अंत भी नहीं होगा। आप लोग संसार के महापुरुष, ये महापुरुष संसार के महापुरुष है, सद्गुरु श्री विलास साहेब जी के
द्वारा लिखा हुआ है। इसमें पहला प्रकरण है अगस्त का और दूसरा है महर्षि कपिल का। महर्षि कपिल आदि मानव माना जाता है और महर्षि कपिल उनके परिवार में मात्र तीन ही सदस्य थे। तीन सदस्य, महर्षि कपिल को ज्ञान हो चुका था प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और परमात्मा का, और संसार के दुख को बचपन से देख रहा था और दुख को देख करके अखंड वैराग्य हो गया और प्रकृति से हट करके पुरुष चेतन आत्मा में उसके चित्त जुड़ गया। उसको देखा उसके पिता ने, उसका पिता का नाम है कर्दम, कर्दम ऋषि है, पुत्र कपिल के अखंड त्याग वैराग को देख करके वह भी वैसा ही वैरागी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। जब पिता वैरागी हो गया, सब कुछ को त्याग दिया, तो माता ने सोचा अब मेरा क्या होगी। तो माता देवहूति है पुत्र कपिल के पास जाकर के कहता है, बेटा कपिल मुझे भी शांति चाहिए, आप तो शांति के पथ में लग गए, तुम्हारे पिता भी अखंड वैरागी हो गया, वह भी प्रकृति भिन्न पुरुष में आत्मा में चित्त को जोड़ दिया, लेकिन बेटा कपिल ये मेरा मन और इंद्रियां हैं, विषयों की तरफ निरंतर झुकी है, मैं विषयों से कैसे विमुख हो जाऊं, मैं अपने आप के कल्याण कैसे करूं। माता देहूति कहती है, माता देहूति के को फिर महर्षि कपिल है उसे आत्मज्ञान देता है, प्रकृति भिन्न भिन्न पुरुष का बोध कराता है। बोध कराने के बाद में माता के अंदर में पुत्र और माँ के ममता बना रहा, महर्षि माता देहूति के अंदर में महर्षि कपिल ने देखा माता के अंदर में मेरे लिए पुत्र की भावना है, ये पुत्र की भावना को भी समाप्त करना है। महर्षि कपिल कहता है, माँ मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ। कुछ काल व्यतीत करके महर्षि कपिल आता है तो माता देवहूति कहती है, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, मेरे गुरु आ रहे हैं, उनके लिए सेवा के लिए जल भोजन आदि सब व्यवस्था करती है और उनसे आत्मज्ञान पाती है। तब महर्षि कपिल है उसे आत्मज्ञान देता है। तो महर्षि कपिल कुछ दिन के बाद कहता है माँ मैं तुम्हारा पुत्र कपिल हूँ। तब माँ कहती है, देवहूति कहती है, बेटा आप मेरा गुरु हैं, आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे देव हैं, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना आप किसी के पुत्र हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं। तो इस प्रकार से कपिल के द्वारा आत्मज्ञान और वैराग्य उसके पिता कर्दम को और उसके माँ को भी हुआ और तीनों अध्यात्म में लग करके वो आत्मज्ञानी हुए और जीवन मुक्त हुए। ये राम अलग है, ये कबीर के राम, कपिल के राम ये अलग है, लेकिन हम लोग आज जो मना रहे हैं ना, वो राम जन्मभूमि दशरथ सुवन है, जो जीवन में रह करके किस प्रकार से माता के साथ, पिता के साथ, भाइयों के साथ, प्रजाओं के साथ, पति और पत्नी में, ऋषि मुनियों के साथ कैसा जीवन, उसका जीवन दर्शन था, वैसा जीवन दर्शन खोजना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है। ऐसे एक अद्वितीय महापुरुष जो हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, राजा दशरथ के सुवन, कौशल्या के नंदन, ऐसे महान पुरुष का आज जयंती मनाई जा रही है, जो राम नवमी के उपलक्ष्य में इस महीना में मनाए रहे हैं। तो वह राम नवमी के दिन आज नहीं है, तो उस दिन हम बुलाएंगे तो आप सब आएंगे नहीं, लेकिन अपने अपने घर में
रामनवमी के उपलक्ष्य में राम कौन थे, कैसे थे, उनका जीवन कैसा महान हुआ, अपने परिवार के बीच में चिंतन करना चाहिए। अपने परिवार में भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, सबको गृहस्थ धर्म में रह करके भी चिंतन करना चाहिए। और विरक्त आश्रम में भी तो होता ही है, राम के जीवन दर्शन को मानना चाहिए। उसी प्रकार से अगले महीना में 1 मई, आज तो 1 अप्रैल है, 1 मई को बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। बुद्ध के जीवन दर्शन कैसा था, आप लोग बुद्ध क्या कहते हैं, पुस्तक है सद्गुरु श्री विलास साहब के लिखा हुआ, उसको आप लोग चिंतन करिए। तथागत उसी का नाम है, जैसे आया वैसे गया, जैसे सद्गुरु कबीर ज्यों के त्यों धरी दीनी चदरिया, साहेब कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों के त्यों धरी दीनी चदरिया। उसी प्रकार से सद्गुरु श्री विलास साहेब के लिए एक अद्वितीय महापुरुष के रूप में हुए हैं तो महात्मा बुद्ध तथागत हुए हैं। और पारक सिद्धांत में सद्गुरु कबीर के बाद उनके लिए उनके पूज्य गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब तो थे ही, उनके अलावा उनके लिए सद्गुरु विशाल देव के जीवन दर्शन महान। और पारक सिद्धांत के जितने भी महापुरुष है उनके जीवन में, उनके हृदय में बसा हुआ था। तो इस प्रकार से अगला पर्व होगा तो 1 मई को बुद्ध जयंती के रूप में, बुद्ध जयंती 14 मई को मनाया जाएगा, लेकिन हम लोग आश्रम में 1 मई को मनाएंगे। उस समय आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए और बुद्ध के जीवन दर्शन पर अध्ययन करके आए। अपना समय 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जितना दे सकें उतना ही दे, सबको अवसर देना है। तो इस प्रकार से उस दिन भी होगा। आज रामनवमी के इस सत्संग के अवसर पर अतिथि सेवा के रूप में भक्तवर श्री जीवन लाल जी, जो गढ़सेवनी निवासी है, उनके तरफ से सहयोग मिला है, और कुसरंगी निवासी श्री लत्तू राम जी के द्वारा आज के अतिथि सेवा में हमें सहयोग मिला है। बोलिए उन दानदाताओं की जय, महात्मा सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, उनके जीवन दर्शन अमर हो, अमर हो, अमर हो। बोलिए सद्गुरु श्री विलास साहेब की जय। भोजन की तैयारी करो।
Thank you.